सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भारत में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनको भूल पाना काफी मुश्किल है। भारत के दिग्गज बिजनेसमैन और शेयर मार्केट के दिग्गजों में शुमार राकेश झुंझुनवाला का 62 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आखिरी सांसें ली। कैसा रहा इनका अब तक का सफर और क्या कुछ इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, देखिए इस रिपोर्ट में। राकेश झुंझुनवाला का हुआ निधन। शेयर मार्केट के बिग बुल नाम से मशहूर थे झुंझुनवाला। झुंझुनवाला को भारत का वारेन बफे भी कहा जाता था। भारत के दिग्गज बिजनेसमैन और शेयर मार्केट के दिग्गजों में शुमार राकेश झुंझुनवाला का 62 की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में मुंबई में आखिरी सांस ली। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें आखिरी बार अकासा एयर के उद्घाटन समारोह में सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। झुंझुनवाला की मौत की वजह मल्टी ऑर्गन फेलियर बताया जा रहा है। डॉक्टरों की एक टीम उन्हें बचाने की लगातार कोशिश कर रही थी, तो वहीं उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, राकेश झुंझुनवाला अदम्य थे, जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यवहारिक थे। वो अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ गए हैं। वो भारत की प्रगति के प्रति भी बहुत भावुक थे। उनका जाना दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राकेश झुंझुनवाला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, प्रख्यात उद्योगपति श्री राकेश झुंझुनवाला जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। दरअसल झुंझुनवाला को भारत का वॉरेन बफे कहा जाता था। झुंझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ था। वो मुंबई में पले बड़े थे। 1985 में सिडनहम कॉलेज में स्नातक होने के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में दाखिला लिया और रेखा झुंझुनवाला से शादी की, जो एक शेयर बाजार निवेशक है। झुंझुनवाला रेयर एंटरप्राइजेस नामक एक निजी स्वामित्व वाली स्टॉक ट्रेडिंग फर्म चलाते थे। वो भारत की नवीनतम एयरलाइन अकासा एयर के मालिक भी थे, जिसने इस महीने की शुरुआत में भारतीय आसमान में उड़ान भरी थी। राकेश झुंझुनवाला ने कॉलेज के दिनों से ही शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत की थी। एक बार राकेश झुंझुनवाला ने बताया था कि शुरू में $100 का निवेश किया था। खास बात यह है कि तब सेंसेक्स इंडेक्स 150 अंक पर था, जो अब 60,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। फोर्ब्स के अनुसार राकेश झुंझुनवाला की कुल संपत्ति $5.8 अरब की थी। राकेश झुंझुनवाला अपनी स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी रेयर एंटरप्राइजेस के मालिक भी थे। टाइटन स्टार हेल्थ, टाटा मोटर्स और मेट्रो ब्रांड्स जैसे स्टॉक में बिग बुल ने सबसे ज्यादा निवेश किया था। बिग बुल को दानवीर कहलाना पसंद नहीं था। उनका कहना था कि हमें एक बात का एहसास होना चाहिए कि इस धन का दाता भगवान है। ये मत सोचो कि हमने इसे कमाया है। खैर, राकेश झुंझुनवाला हम सब की यादों में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बिग बुल के नाम से प्रख्यात झुंझुनवाला, जिनका सिक्का शेयर मार्केट में चलता था, आज वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं, जिसके बाद इस पूरे भारत में उनको याद किया जा रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ